हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको जरा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाए। एक पैन पे 1.5 कप पानी डाल दें। एक चम्मच तेल, मैं सरसों तेल डालती हूँ, आप कोई भी तेल डाल सकते हो। स्वाद अनुसार नमक। पानी में उबाल आ गया है, अच्छा से मतलब गर्म हो गया। 1.5 कप में थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा डाल रही हूँ। ध्यान रहे कोई बिटिया ना पड़े, एक हाथ से चलाते रहे। और आधा कप भी मैं डाल दे रही हूँ, इसे अच्छे से चलाते रहे। मैं हमेशा इसी तरह से ठंड के मौसम में पिट्ठा बनाती हूँ। आप कैसे बनाते हो जरूर से कमेंट करके बताना। गैस का फ्लेम ऑफ नहीं करना है, इसे ऑन ही रखना है। इस तरह से चलाते रहें जब तक ये डो फॉर्म में ना आ जाए। ये डो जैसा हो गया, इसे ढक के जब तक थोड़ा ठंडा ना हो जाए ढक के इसे रख देते। 1 कप उड़द दाल को मैंने 2 से 3 घंटा पहले भिगो दिया था। देखिए अच्छे से फूल चुकी है, इसे 2 से 3 बार अच्छे से मैंने धो लिया है। एक मिक्सी जार में दाल डाल दें पीसने के लिए। 4 मैंने सूखी मिर्च लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हो मिर्च अपने हिसाब से, आप कम बेसी कर सकते हो। और 2 हरी मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो मिर्च आप ज़्यादा ले सकते हो। 1/4 हींग, आप हींग ज़रूर से डालिए, खाने में भी स्वाद बढ़ा देता और ये पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। स्वाद अनुसार नमक। इसे आप जहाँ तक हो इसे कड़ा ही पीसने का कोशिश करें। अगर ये ना पीसे तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे जितना हो सके कड़ा ही पीसे, ज़्यादा पतला ना करे। मैं 1 चम्मच पानी डाल के पीस रही हूँ क्योंकि दाल भी भीगा हुआ पानी में, तो पहले मैं देख रही हूँ 1 चम्मच पानी डाल के। मैं बताना भूल गई थी, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की डाल दी। इसमें लहसुन और अदरक थोड़ा ज़्यादा जाता है, इसे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। 1 इंच अदरक बारीक कटा हुआ, ये अच्छे से पेस्ट हो गया है। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देर हो चुकी है, इतना ठंडा करना है जितना आप हाथ से आराम से छू सकते हो। हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा के इसे अच्छे से मसल के चिकना कर लें और इसे अच्छे से मसल मसल के इस तरह से चिकना करना। कोई मेहनत भी नहीं लगता है, इसे बहुत ही आराम से ये हो गया। देखिए कितना अच्छे से चिकना। और आपको जितना बड़ा बनाना उतना बड़ा आप छोटा लो ही लो। मैं छोटा सा बना रही हूँ तो छोटा साइज़ का, पूरी का जितना लेते उससे थोड़ा सा बड़ा लो ही ले करके इसका गोल इस तरह से कटोरा बना दे। इस तरह से हाथ से तेल लगा लगा के बनाए, बहुत आराम से होगा। ये जो उड़द दाल वाला पेस्ट है, मैं थोड़ा सा 1/4 हल्दी डाल रही हूँ क्योंकि कलर बहुत सुंदर आएगा। इस पर कटोरा जैसे बना के 1 चम्मच मैंने पेस्ट इस तरह से लगाया और हल्का से इसे प्रेस कर दी। देखिए कितना सुंदर बन गया। मैंने और एक बना के दिखाऊंगी। हाथ पे पानी लगाया, गोल कर दी, इस तरह से कटोरा बना दे। एक चम्मच डाल दिया पेस्ट इस तरह से और हल्के हाथ से इसे प्रेस कर दे। सारा आप इसी तरह बना ले, सबको इसी तरह से बना लिया है। अगर आपके पास इस तरह से जाली वाला प्लेट है स्टैंड है तो इस पर सारा सजा दे स्टीम करने के लिए इस तरह से। अगर नहीं है तो इडली का सांचा के ऊपर भी आप कर सकते हो। एक पतीला में मैंने पानी गर्म चढ़ाया था, अच्छे से उबाल आ गया, इसे स्टीम होने के लिए चढ़ा देते हैं। एक खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही हेल्दी। इसे ढक के 15 से 20 मिनट तक स्टीम करते, बीच में मैं चेक भी करना आप ज़रूर से कीजिएगा। 15 से 20 मिनट हो गया है, मैंने एक टिक डाल के देखा, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये स्टीम होने का मतलब इसका कलर चेंज हो गया। और एक टूथपिक डाल के देखा है, साफ़ आया, मतलब स्टीम हो चुकी है। इसे ठंडा होने के बाद ही निकाले थोड़ा, नहीं तो ये टूट जाएगी। ये देखिए ठंडी हो चुकी है, कितने अच्छे से निकल रहा है एक एक करके। मेरे घर में तो सब इसी तरह से खाते हैं, छोला या चिकन मटन के साथ। चलिए इसको कुछ थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए एक तड़का लगाते हैं। एक पैन पे 1 चम्मच तेल डाला है क्योंकि बहुत हेल्दी डिश है, मैं ज़्यादा तेल यूज नहीं करूँगी। 1 चम्मच मैंने सरसों डाल दिया है, जब चटक जाए
सभी को डाल देना है। इसे एक बार चला के इसके ऊपर थोड़ा हरा धनिया डाल दें, आप चाहें तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हो। और इसे एंजॉय करें। अगर मेरी रेसिपी आपको जरा भी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।